इससे पहले कि आपको हेडलाइंस की जानिब लिए जाएं, आपको अपडेट करें कि स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। स्टेट बैंक ने शराय सूद में 2.5% कमी कर दी है। एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि 2% कमी आ सकती है मॉनेटरी पॉलिसी के ऐलान के बाद शराय सूद में, और वैसा ही हुआ है। स्टेट बैंक की जानिब से मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया गया है और शराय सूद में 2.5% कमी कर दी गई है। एक दफ़ा फिर आपको आगाह कर रहे हैं, आपको बताएं कि स्टेट बैंक ने शराय सूद में 2.5% कमी की है। मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया गया है और उसमें शराय सूद में कमी का जैसे इम्कान जाहिर किया जा रहा था, बिल्कुल वैसे ही हुआ। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे नुमाइंदे। अभी आपको बताएं कि स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है और स्टेट बैंक ने शराय सूद में 2.5% कमी कर दी है। स्टेट बैंक की जानिब से आज मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान मुतवक्के था। इस पर बात करते हैं, सफदर अब्बास हमारे नुमाइंदे हमें अपडेट करेंगे। जी सफदर, आगाह कीजिएगा, 2.5% कमी हुई है शराय सूद में आज। बिल्कुल, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पॉलिसी रेट का जो ऐलान किया गया उसके मुताबिक हम देख रहे हैं कि पॉलिसी रेट में 2.5% की नुमाया कमी सामने आई। एक्सपेक्टेशन भी यही की जा रही थी कि इन्फ्लेशन का रेट जो बहुत ज्यादा कम हो चुका था, सिंगल डिजिट पर आ चुका था, लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि पॉलिसी रेट को 15% कर दिया गया 2.5% कमी के बाद। स्टेट बैंक की जानिब से जो ऐलान जारी किया उसके मुताबिक उसमें कहा गया है कि महंगाई में कमी के रुझान के पेश नजर पॉलिसी रेट में कुछ कमी की, साथ ही जो IMF से नया कर्जे का प्रोग्राम हासिल किया गया उसके भी मौसी सोचार में कुछ पैसे के आसार नुमाया दिखाई दे रही। आखिरी महंगाई में तेजी से कमी आई, जो खाने पीने की अशी कीमतों में इजाफे का सिलसिला था अब वो थमता हुआ दिखाई दे। स्टेट बैंक का कहना है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास हुए उसके अंदर माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिकेटर के खासतौर पर जायजा लेने के बाद फैसला किया गया कि पॉलिसी रेट 2.5% कमी के बाद 15% कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया, इस पर आपने अपडेट किया, इसका फॉलो अप आपसे लेंगे सफदर।